हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, पिछला व्लॉग हमने नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक पे आके ख़त्म किया था। इस व्लॉग में हम पेंगोंग से आगे रिजांगला वार मेमोरियल विज़िट, पेंगोंग लेक विज़िट और रिटर्न जर्नी टू चंडीगढ़ के बारे में ब्रीफ करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑल। आगे आए हैं, देखो पापा, इन्होंने ये देखो नीचे अपनी शिप्स लगा रखी हैं। हाँ, इनके दो साल पहले नहीं थी। थी, अरे देखो वो नहीं बना रखा था पहले आगे। हाँ, वो देखो चेक करो, इन्होंने बिल्कुल चाइना का कॉपी कर लिया। क्या ये देखो, हाँ। चाइना में भी ऐसे कॉपी कर रखा है ये, देखो अच्छा बना लिया। हाँ, पहले तो नहीं था ये सब ना। अभी हमें वहाँ पे उस पॉइंट पे जाना है, वहाँ पे है कोई नहीं, ऐसे लिखा तो नहीं वैसे। ये सामने ना, उधर सामने, वहाँ सामने, उधर सामने सामने जहाँ पे वो मुड़ रही है पेंगोंग लेक, वो वहाँ से वो फिर उधर चाइना की तरफ चले जाती है।
तो भाई पेंगोंग लेक पे घूमने व फोटोशूट के बाद हम लोग चंडीगढ़ रिटर्न जर्नी के लिए चल पड़े। वापसी में हमें चांगला पास व अन्य सभी माउंटेन पास मिलेंगे सिवाय खारदुंगला पास के, जो कि लेह से नुब्रा वैली जाते हुए आता है। इस टाइम हम उमलिंगला पास, हानले, पूगा वैली वगैरह कवर नहीं कर पाए इस टूर पे कुछ कारणों की वजह से। वो कभी भगवान ने चाहा तो हम नेक्स्ट विजिट में उसको कवर करेंगे। सरप्राइजिंगली चांगला पास से जस्ट पहले हमें सोलतक लेक के दर्शन हुए, जो कि पूरी बर्फ़ से जमी हुई थी और लोग उस पर चहलकदमी कर रहे थे। ये नज़ारा देखकर आनंद ही आ गया। आप भी देखिए। स्नो पीक माउंटेन्स हो गए आसपास, रोड के दोनों तरफ यहाँ कितने हैं, बहुत ही अच्छा दृश्य है। मज़ा आ गया। अच्छी रोड आई है। चांगला पास पहुंचकर हमने चांगला मंदिर में दर्शन किए। पिछली बार भी जब हम गए थे तब भी हमने वहाँ पे दर्शन किए थे। आप भी अगर कभी जाएं तो वहाँ दर्शन ज़रूर करें। देखिए, लद्दाख एक डिफ़िकल्ट टेरेन ज़रूर है, मगर साथ में उतना ही खूबसूरत भी है। और अब तो यहाँ की ज़्यादातर जो सड़कें हैं वो भी बहुत अच्छी और सुगम हो गई हैं, बहुत ब्यूटीफुल रोड्स हो गई हैं ज़्यादातर, और जो रह गई हैं वो भी अब उन पे भी काम चल रहा है। सो मस्ट गिव ए ट्राई। तो वापसी में हमें फिर से बारालाचला पास पर बर्फ़ मिल गई, लाइव स्नो। और वैसे इस बार हम लकी रहे कि हमें ज़्यादातर पासेस पर लाइव स्नो देखने को मिली, ये भी एक कुदरत का संयोग ही था। देखिए, लेह लद्दाख हो या लाहौल स्पीति, या आप बाइक पे जा रहे हो या कार में, तो दोनों में राइड करने के अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन में जो ऐसे टेरेन में बाइक पे ट्रैवल करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हम लोग कार में थे तो हमें फिर भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बट मैंने देखा बाइकर्स वाकई में उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट टेरेन होता है और उनके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन भी। तो रिटर्न जर्नी में लेह से चलने के बाद हम लोग रूमसे के पास एक जगह है लाटो, वहाँ हमने होम स्टे में नाइट हॉल्ट लिया। उसके बाद अगले दिन सवेरे हम लोग निकल पड़े जिस्पा तक पहुँचने के लिए। तो रास्ते में हमने पांग जगह पड़ती है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद सरचू क्रॉस करके हमने लंच किया। और साथ साथ में ऐसे हम खूबसूरत ये नज़ारे भी कैप्चर करते गए। ये देखिए आप,
जो भेड़ों का झुंड कितने तादाद में है, और ये खूबसूरत जो टेरेन है खुला, बहुत ही बढ़िया टेरेन था ये, बहुत ही इंजॉयबल और मेमोरेबल। ले जाने के लिए मनाली की तरफ से इस ट्रेडिशनल रूट के अलावा और भी अन्य रूट हैं, जैसे मनाली की तरफ से दो रूट और हो गए हैं, एक तो वाया शिंकुला पास जाता है और एक अभी नया रूट बना है जिस पे भी लोग जाने लगे हैं, वाया निमू पादुम दारचा, जिसको एनपीडी रोड भी बोलते हैं। इसके अलावा श्रीनगर की तरफ से जोजिला पास होके भी एक रूट निकलता है। लाइट्स पड़ रही है ना इसकी, अच्छा लग रहा है। और ये स्नो पीक माउंटेन्स है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। अब वक्त है अभी 6:35 और ये हम ले से वापस आते हुए जिस्पा में नाइट स्टे किया है और यहाँ का सवेरे का नज़ारा देखिए गाइस, स्नो पीक माउंटेन्स हैं ऑल ओवर जहाँ तक आपको सामने दिखते हैं। और यहाँ हम ठहरे थे रूम्स में, तो यहाँ से नज़ारा कुछ कुछ हमारे रूम से खिड़की से ऐसे ही दिखता है सर। यहाँ स्नो पीक माउंटेन्स हैं और सामने ये वो नदी बहती हुई है जा रही है, ये देखिए। इसका फ्लो भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। और वहाँ से वो ऊपर स्नो पीक से स्नो मेल्ट होती हुई एक छोटी स्ट्रीम के रूप में ही आ रही है ऐसे, ये देखिए ऐसे, और जो नदी में मिल जाती है।